मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. दिस इज शहनशाह फ्रॉम परफेक्शन IAS एंड आज हम शुरू करने वाले हैं द हिंदू का एनालिसिस, जो कि UPSC के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं 10th ऑफ द जुलाई मंडे 2023. दिस एनालिसिस ऑफ द हिंदू, ये जो हम करेंगे आज से शुरू करेंगे या आज से हम इसको फॉलो करेंगे, आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको इसको डेली देखना है. आप इसको स्किप नहीं कर सकते एक भी दिन भी. जो भी आपको इसमें असाइनमेंट्स मिलेंगे इस हिंदू की एनालिसिस में, जितने भी हम असाइनमेंट्स देंगे आपको, वो आपको करने होंगे. असाइनमेंट्स में आपके मेंस के क्वेश्चंस आ जाएंगे. मेंस का एक क्वेश्चन देंगे हम और वो क्वेश्चन आप लिखोगे, उसका आंसर लिखोगे और हमें फॉरवर्ड करोगे. हमें आप फॉरवर्ड करोगे, ईमेल आईडी है You can forward it to resurrection191@gmail.com. ठीक है, this will be the email ID for all of your answers. You send your questions and your answers here and we will evaluate them. We will send you a detailed feedback और वो होगा हमारे assignments का काम. इसके साथ साथ आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जब हम करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे, जब हम ये हिंदू का एनालिसिस करेंगे, तो हमें और क्या क्या करना है, हमें किस चीज का ध्यान रखना है. हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या हमें हिंदू पढ़ना आता है या नहीं आता. क्या ये जो न्यूज है, जो ये न्यूज अभी आ रही है, दैट इज अबाउट दिस बिल विच इज अमेंडिंग द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980s. अब ये जो बिल है, ये हमारे GS में या सिलेबस में किस पार्ट से रिलेटेड है, किस पोर्शन से रिलेटेड है, GS के किस सिलेबस में आती है, ये किस पेपर के सिलेबस में आती है. ठीक है, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है. और जब भी हम ये चीजें करेंगे, मैं आपको हर न्यूज के बाद बताऊंगा, हर न्यूज से पहले बताऊंगा कि ये GS के किस क्वेश्चन, किस सिलेबस के किस पेपर का पार्ट है और किस माइक्रो टॉपिक का पार्ट आएगा. ठीक है, तो चलिए बिगिन करते हैं. श्री गणेशाय नमः. और हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस, जिसको हमने नाम रखा है डेली न्यूज सिंप्लीफाइड. ठीक है, ये डेली न्यूज सिंप्लीफाइड जो है, इसका आपको वीडियो YouTube पे मिल जाएगा. आपने अगर बेल आइकन प्रेस कर रखा है तो आपको रोज नोटिफिकेशन आ जाएगा. आप जाइए, लॉग इन कीजिए और इसको फॉलो करने वाले जितने भी लोग होंगे, वो हमारे पास आके ऑफलाइन सेंटर पे मेंटोरशिप अवेलेबल कर सकते हैं. अपनी स्ट्रेटजी को वो आराम से रीडिजाइन करा सकते हैं. MCQs को सॉल्व कैसे करना होता है, मेंस के आंसर्स कैसे लिखने होते हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है, वो सब चीजें हो जाएंगी जब आप हमारे ऑफलाइन सेंटर, दैट इज जो हमारा ऑफलाइन सेंटर दिल्ली में है या पटना में है. ऑफलाइन सेंटर दिल्ली में जो है वो करोल बाग मेट्रो स्टेशन Gate No. 8 के पास है. आप आ जाइए हमारे सेंटर पे परफेक्शन IAS पे. आप देखिए कि कितना डिफरेंस है जब आप खुद से पढ़ते हैं और आप किसी मेंटोर की गाइडेंस के अंदर पढ़ते हैं. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट न्यूज. आई वेलकम यू ऑल स्टार्टिंग विद द ग्रेट एंथुसियाज्म. तो पहला न्यूज था दैट द ऑब्जेक्शंस वर ओवररूल्ड एज द फॉरेस्ट बिल गोज टू द हाउस अनचेंज्ड. तो क्या हो रहा है अभी, अभी हो रहा है ऐसा दैट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980s इज बीइंग अमेंडेड. ठीक है, अब अगर इसको अमेंड किया जा रहा है तो दिक्कत क्या है इसमें और क्या परेशानी है और क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये हम देखेंगे कि जो ये जो बिल है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इसको अमेंड किया जा रहा है ताकि इसको अप्लाई किया जा सके, ताकि इसको एप्लीकेबल बनाया जा सके सर्टन टाइप्स ऑफ लैंड के लिए. ठीक है, दीज इंक्लूड द लैंड्स विच वर नोटिफाइड एज फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 और दोज विच वेर रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स. ठीक है, तो अब अगर आप ये न्यूज देखेंगे तो इस न्यूज में जो लिखा हुआ है दैट इज टचिंग अ रॉ नर्व. इट सेज दैट द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980s हैव अट्रैक्टेड ऑब्जेक्शंस. क्यों ऑब्जेक्शंस आई है, बिकॉज पहले ये डाइल्यूट करता है. सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में जो जजमेंट दिया था दैट इज गोदावर्मन केस. This judgment was about extending the protection to wide tracts of forests
इवन इफ वो फॉरेस्ट जो है अगर वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में फॉरेस्ट नहीं होगा तब भी उसमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980s. तो ये जो इस टाइम पे केस का वर्डिक्ट आया था, गोदा वर्मन केस का वर्डिक्ट जो आया था, इट वॉज जस्ट टू इंक्रीज द प्रोटेक्शन. इससे क्या होगा, हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा, हमारा फॉरेस्ट कंजर्व हो जाएंगे, जो कि इकोलॉजिकली जरूरी है. अभी हम पढ़ेंगे आगे साइंस वाले सेक्शन में, जब हम जाएंगे इसी न्यूज़पेपर में, तो आप देखोगे कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से. ठीक है, एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट वी शुड डू व्हाट, हमारे पास एटलीस्ट मिनिमम अगर हम करें तो हमें डिफॉरेस्टेशन के लेवल को 10% पे लेके आना होगा, लेस देन 10%, बट स्टिल वी आर ऑन 3% रेट एंड विच इज येट मोर देन द लास्ट ईयर्स डिफॉरेस्टेशन रेट. तो अभी अगर आप देखोगे तो दिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है, अभी अमेंडमेंट जो आ रही है, इट्स बीइंग, देयर आर सम अप्रिहेंशंस अबाउट चेंजिंग द करंट सिनेरियो जो अभी है ऑलरेडी. अब इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी ज्योग्राफिकली सेंसिटिव एरियाज हैं जहां पे इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी है, वो एरिया अगर बॉर्डर एरिया में आता है और उस एरिया में इंटरनेशनल बॉर्डर है और वहां पे कोई हमें हाईवे बनाना है, कोई हमें हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए हमें कोई क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं होगी जो वो बना रहे होंगे, वेदर दैट इज बीआरओ और वेदर दैट इज सम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसको वो टेंडर मिला होगा. नो सेंट्रल प्रोटेक्शन फॉर द वास्ट ट्रैक्स ऑफ सो कॉल्ड डीम्ड फॉरेस्ट. डीम्ड फॉरेस्ट क्या होता है, डीम्ड फॉरेस्ट आर दोज फॉरेस्ट्स जो रिकॉर्ड नहीं होते हैं ऑफिशियली एज फॉरेस्ट, जिनका लैंड रिकॉर्ड या रेवेन्यू सेटलमेंट में, जब हम देखते हैं रेवेन्यू सेटलमेंट में या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया उनको रिकॉर्ड नहीं करती है दैट दीज आर फॉरेस्ट्स, वो लैंड फॉरेस्ट लैंड नहीं होता है. ठीक है, बट दे आर एक्चुअली फॉरेस्ट्स क्योंकि उसमें फॉरेस्ट ग्रोथ हो गई होती है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, वन इज प्राइमरी फॉरेस्ट, सेकेंड इज सेकेंडरी फॉरेस्ट. ठीक है, प्राइमरी फॉरेस्ट सेकेंडरी फॉरेस्ट, इसका डिफरेंस शायद अभी तक मेरे हिसाब से जितना भी मैंने पढ़ा है तो बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, बट आज के न्यूज़पेपर में आया है, तो आप लास्ट तक बने रहिए. लास्ट में साइंस के सेक्शन में प्राइमरी फॉरेस्ट और सेकेंडरी फॉरेस्ट में डिफरेंस आया हुआ है. ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे. ठीक, नाउ द थिंग इज, ये तीन चार अप्रिहेंशन है. पहला, गोदा वर्मन केस को रिवर्स बैक कर रहा है और 100 किलोमीटर में अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाना है, तो वहां पे कोई क्लियरेंस नहीं लेना पड़ेगा, डीम्ड फॉरेस्ट जो होंगे उनको वायलेट कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ दिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल इज चेंजिंग द करंट डायमेंशन ऑफ ऑल ऑफ दिस व्हिच इज देयर इन द जो ऑलरेडी है 1980s के एक्ट में बट अभी नहीं है. दिस बिल ऑल्सो एग्जेम्प्ट्स सर्टेन टाइप्स ऑफ लैंड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द एक्ट. अब जो ये लैंड हमने देखा, कौन सा लैंड, जो ज्योग्राफिकली सेंसिटिव लैंड होगा बट 100 किलोमीटर की रेडियस में होगा, उसको ये एग्जेप्ट कर देता है. ठीक है, उन चीजों के लिए अब यहाँ पे ये लिख रहा है दैट देर आर ओनली कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज एंड देर आर हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जिनका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. हाउएवर, अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए स्मॉल रोड साइड एमिनिटीज एंड पब्लिक रोड्स बनाए जाएं, देन ऑल्सो दीज आर एग्जेम्प्टेड. द स्टेट गवर्नमेंट्स जो होंगी इस बिल के अंदर, द स्टेट गवर्नमेंट्स विल रिक्वायर अ प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू असिस्ट एनी फॉरेन लैंड एनी प्राइवेट एंटिटी. अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लैंड देता है किसी प्राइवेट एंटिटी को, ठीक है, तो नाउ द थिंग इज कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर अप्रूवल देना है या लैंड ट्रांसफर करनी है किसी प्राइवेट एंटिटी को, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एक प्रॉब्लम ये होगा कि उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का. ठीक है, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई भी अप्रूवल लैंड ट्रांसफर करना होगा किसी प्राइवेट एंटिटी को, तो उनको अप्रूवल लेना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का. दिस एक्ट ऑल्सो स्पेसिफाइज सम एक्टिविटीज दैट कैन बी कैरीड आउट इन द फॉरेस्ट सच एज एस्टैब्लिशिंग द चेक पोस्ट्स, फेंसिंग एंड ब्रिजेस. इवन इफ जूज, सफारीज या इको टूरिज्म फैसिलिटीज को हमें रेगुलेट करना है, तो ये एक्ट वहां पे भी रेगुलेशन लेके आता है. दिस कैरीड दिस एक्ट स्पेसिफाइज कि इन एक्टिविटीज को अगर हमें करना है तो हमें वहां पे चेक करना पड़ेगा. ठीक है, और उन एक्टिविटीज को रेगुलेट कैसे करेंगे, तो वो भी हमने देख लिया दैट उन एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट आया है. ठीक है, तो पर्टिकुलरली वहां पे तीन चार चीजें हैं. एंड देयर इज अ ब्लैंकेट एग्जेप्शन फॉर द प्रोजेक्ट्स लाइक जूज, इको टूरिज्म फैसिलिटीज एंड रिकॉग्निशन सर्वेज
which may adversely affect the forest land and wildlife protection. So there is an exemption. Exemption kis cheez ka hai? Exemption of zoos, ecotourism facilities and reconnaissance surveys. ठीक है, अब इस चीज को ध्यान में रखना है that how this act is going to change the current scenario. Now इसके बाद हम जाते हैं सेकंड न्यूज पे. हमारी सेकंड न्यूज वॉज अबाउट जो हमने कल देखा दैट टोरेंशियल रेन्स जो दिल्ली में हुए इन कैपिटल, इसकी वजह से फ्लड भी आया. तो हमने लोगों का देखा होगा कि लोगों के ऑफिस के ऊपर से पानी बह रहा है, नीचे सीढ़ियों से पानी आ रहा है, सड़कें दरिया बन गई है. देर वॉज समथिंग विच वॉज वायरल ऑल्सो के कैनॉट रिवर बन गया है. ठीक है, कैनॉट रिवर बन गया दिल्ली में. तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, बट बीइंग ए यूपीएससी एस्पिरेंट एंड ए सीएस एस्पिरेंट व्हाट यू शुड नो इज कि ये रेन्स कैसे हुई, इनका मेन रीजन क्या था. एंड द मेन रीजन वॉज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. ठीक है, बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी इन द नॉर्दर्न बेल्ट ऑफ इंडिया एंड द चेंजेस इन करंट सिनेरियो एंड द चेंजेस इन दिस एरिया, उसकी वजह से क्या हुआ दैट देयर वर सम रेन्स एंड दिस मॉइस्चर वाज अवेलेबल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया. ठीक है, और मॉइस्चर अवेलेबिलिटी की वजह से ही इन द पास्ट फ्यू डेज देयर वर सम डिस्टरबेंसेस एंड टेंपरेचर आल्सो हैज रिजन इन दीज डेज एंड ड्यू टू व्हिच देयर वर द कंडीशन दीज कंड्यूसिव एनवायरमेंटल कंडीशंस वर देयर. और उसकी वजह से फिर एज द कुलदीप श्रीवास्तव, मिस्टर कुलदीप श्रीवास्तव हु इज आईएमडी हेड, रीजनल फोरकास्टिंग सेंटर का हेड, तो उन्होंने बोला है दैट ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वी हैव सीन दिस थिंग व्हिच वी सॉ एज द टोरेंशियल रेन्स इन न्यू दिल्ली द कैपिटल टेरिटरी. ठीक है, तो हमें रीजन पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है. तो अगर आप देखो, ठीक है, दिस इज द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, और यहाँ से from the western areas or the Mediterranean Sea, we usually observe these western disturbances. ठीक है, in the time period of what, किस time period में हम देखते हैं ये, usually winters में देखते हैं या तब देखते हैं जब ITCZ का shift हो रहा हो. ठीक है, तो चलिए इसको इस news को थोड़ा सा short में करते हैं और आगे बढ़ते हैं because there are more important news in this newspaper. And one more important news is about Varanasi turtles. And what are these Varanasi turtles? They are helping in cleaning the Ganga. Ab, turtles कैसे गंगा को clean कर रहे हैं and how is it going to help? ये थोड़ा सा important बन जाता है UPSC perspective से. क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो UPSC application part पूछता है किसका, दो चीजों का, that is ecology and science and tech. कोई भी टेक्नोलॉजी हो या इकोलॉजिकल परस्पेक्टिव हो, वो बायो रेमेडिएशन के लिए बैक्टीरिया पूछेगा, वो साइंस एंड टेक में ड्रोन टेक्नोलॉजी पूछेगा, वो क्रिस्पर कैस9 पूछेगा, वो उसका एप्लीकेशन पार्ट पूछेगा. तो एप्लीकेशन पार्ट हैज बीन द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ यूपीएससी. इसीलिए यहाँ पे भी देयर इज समथिंग व्हिच इज अनयूजुअल, टर्टल्स को यूज किया जा रहा है टू क्लीन अप द गंगा. अब गंगा रिजुविनेशन में टर्टल्स का क्या रोल रहेगा, तो इट सेज दैट द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया and Ministry of Forest have joined hands in the National Mission for Clean Ganga, the agency implementing the Namami Gange program. So, teen char cheeze yahan pe aa gayi. Pehla hamara aaya Wildlife Institute of India and second aa gaya Ministry of Forest and third aa gaya National Mission for Clean Ganga and fourth aa gaya Namami Gange program. Theek hai, now the thing is they have established a rehabilitation center for turtles in UP Varanasi. ab isme kya hai, kuch turtles ko use kiya jata hai so that they help in eating up what is the rotten or half burnt human bodies. jo ganga river mein ya ganga ji mein hum jitni bhi asthiyan bahate hain,
जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो उसको खा लेते हैं, और अपना जितना भी इसमें यूजुअली क्या होता है, जब कोई डेड मैटर पड़ा होता है किसी वाटर बॉडी में, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बीओडी इंक्रीजेस. अब बीओडी इंक्रीज होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होगी, तो वहां पे क्या होगा, यूट्रोफिकेशन. क्यों होगा यूट्रोफिकेशन? बिकॉज जितना भी डेड मैटर पड़ेगा उसकी वजह से ऑर्गेनिक ग्रोथ, और अगर आप देखो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा और यूट्रोफिकेशन होगा और एक्सेस ग्रोथ होगा, और जो ये वाटर बॉडी होगी, इस वाटर बॉडी में मैसिव डेथ होगा, तो विच विल लीड टू मोर फॉसिल्स इन दी वाटर बॉडी लाइंग डाउन, और उसका डिकम्पोजिशन के लिए टोटल ओवरऑल ये एक ऐसे साइकिल में फंस जाएगा कि डिकम्पोजिशन होता जाएगा और ये वाटर बॉडी सड़ती जाएगी. इसलिए हमें यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रिवेंटिव और प्रीएम्प्टिव मेजर लिया हुआ है कि वी आर यूजिंग टर्टल्स इन दिस. हाउ यूपीएससी कैन बी फ्रेमिंग ए क्वेश्चन ऑन दिस इज कि आपको ये बोला जाएगा दैट कि अगर वाटर बॉडी का क्लीन अप करना है, इफ यू आर अबाउट टू क्लीन अ वाटर बॉडी, और अगर हमें पोल्यूशन फ्री वाटर बॉडीज चाहिए, और अगर हमें पोल्यूशन फ्री वाटर बॉडी कोई चाहिए, तो हम किस किस ऑर्गेनिज्म का यूज कर सकते हैं? क्या हम टर्टल्स का यूज कर सकते हैं? क्या हम बैक्टीरिया का यूज कर सकते हैं? क्या हम वायरस का यूज कर सकते हैं? ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी होगी कि किस किस एनिमल का हम यूज कर सकते हैं या किस किस ऑर्गेनिज्म का हम यूज कर सकते हैं इस चीज में. ठीक है, दैट विल बी द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इट, जहां पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है. नाउ गोइंग अहेड टू द मेन एडिटोरियल सेक्शन और द लीड एडिटोरियल ऑफ द डे, एंड दिस एडिटोरियल इज अबाउट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ठीक है, अब इस एडिटोरियल में क्या है, इस एडिटोरियल में बोला जा रहा है दैट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का मतलब हमारा एक बेसिक थिंग है, और द की ऑब्जेक्ट और द की इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट द हंगर. ठीक है, इंडिया हैज बीन अ कंट्री जिसने मोर देन 2.18 मिलियन लोगों को पॉवर्टी के शैकल से बाहर निकाला था 2018 में. ठीक है, मोर देन 2 मिलियन पीपल वेयर टेकन आउट ऑफ द शैकल्स ऑफ द हंगर और द पॉवर्टी, एक्चुअली पॉवर्टी नॉट हंगर, in 2018, that is before COVID. And public distribution system has helped a lot in re-establishing the degrading structure of India's nutrition atlas. अगर हम nutrition की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा weak nutrition था, और बहुत ही एक ऐसा बोला जा सकता है कि nutrition level पे India has been facing this brunt कि हमारा जो nutrition का scope था, मैल न्यूट्रिशन, जिसमें हम अभी भी देखें तो देर आर फोर की ऑब्जेक्टिव्स और फोर की टारगेट्स जिसको हम बोलते हैं, स्टंटिंग, एनीमिया, लो बर्थ वेट. ठीक है, स्टंटिंग, एनीमिया, लो बर्थ वेट एंड आई गेस मैल न्यूट्रिशन, और द फोर्थ वन इज Now the targets are we need to decrease it by 2% and this by 3% and this by also 2%. Okay. Now there is this discussion about Anna Bhagya scheme, and the author Ritika Khera, she is a professor of economics in Indian Institute of Technology, Delhi, IIT Delhi. She is a professor. अभी क्या बोल रही है कि अभी जो recent Karnataka assembly elections हुए थे 2023 में, उसमें एक ये वादा किया गया था कांग्रेस के द्वारा दैट दे विल गिव एडिशनल 5 kilograms टू दोज हु ऑलरेडी आर दी पार्ट ऑफ व्हाट, टू एवरी मेंबर हु आर दी पार्ट ऑफ व्हाट, पीडीएस सिस्टम. जो ऑलरेडी पीडीएस सिस्टम का पार्ट है लोग, उनको 5 और किलोस दे दिए जाएंगे. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो, क्या इस चीज को करने का कोई जरूरत था या नहीं था, एक्चुअल में यही चीज बोल रही है कौन, रितिका खेरा. ये बोल रही है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्या क्या है पीडीएस सिस्टम में, प्रॉब्लम्स के बाद इस अभी ये दो की डायमेंशंस दे रही है. पहला है चैलेंजेस क्या क्या है इसमें, अब चैलेंजेस के बाद प्रॉब्लम्स क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है.
तो ये एक ऐसा एडिटोरियल है जिसको आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही डिटेल में समझना पड़ेगा, इसलिए बिफोर स्टार्टिंग इट वी विल गो थ्रू अ बिट थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ इंडिया. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ इंडिया क्यों है? बिकॉज जस्ट टू इंश्योर दैट फूड सिक्योरिटी सिस्टम इन इंडिया इज वेल मेंटेन. और इसको करता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है. नाउ दिस हैज इमर्ज्ड एज अ मैनेजमेंट ऑफ स्कैरसिटी थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस. अब सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है हमारे पास? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो इसमें काम कर रही है. ठीक है, अब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है इसमें? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का रोल क्या है? प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड एलोकेशन टू स्टेट्स. और इसके बाद रोल आता है स्टेट गवर्नमेंट्स का. अब स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल आता है तो स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल क्या है इसमें? दैट स्टेट गवर्नमेंट्स जो है दे आइडेंटिफाई दी बेनिफिशियरीज को वो आइडेंटिफाई करते हैं. देन दे ऑल्सो हेल्प इन गिविंग दी राशन कार्ड्स ऑल्सो एंड सुपरविजन ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स. ठीक है, फेयर प्राइस शॉप्स का सुपरविजन करता है कौन? स्टेट गवर्नमेंट्स. एंड पीडीएस सिस्टम में अभी हमारे पास क्या क्या चीजें दी जा रही है? दैट इज व्हीट, राइस, शुगर और कैरोसिन. ये तीन चार चीजें हम दे रहे हैं अभी पीडीएस सिस्टम में, जो अभी हो रहा है. हाउएवर देयर इज अ डिमांड ऑफ increasing these items to just from wheat, rice, sugar, kerosene से लेके इसको बढ़ाया जाए. और कुछ states actually में दे भी रहे हैं, that is pulses, edible oils. कुछ states दे रहे हैं और कुछ states नहीं दे रहे हैं. Iodized salts and spices. इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कौन सी चीजें दी जा रही है और कौन सी चीजें नहीं दी जा रही है और किन चीजों की डिमांड आ रही है. ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, आगे बढ़ते हैं. इसी एडिटोरियल में हम देखेंगे कि और भी क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिनको हम डील कर सकते हैं आराम से, और एक एक करके हम हर एक प्रॉब्लम को देखेंगे. अगर आप देखो यहाँ पे, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो हमने देख लिया कि क्या है. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्यों हुआ था वर्ल्ड वॉर टू के बाद? हमने देखा था दैट राशनिंग के मेजर्स लिए जा रहे थे 1960s में, क्योंकि हमने देखा था एग्रीकल्चरल क्राइसिस हुआ था. नाउ दी देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 1960s में वी सेट अप एन एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन. ठीक है, एग्री प्राइस कमीशन 1960s, जिसने ये रेकमेंड किया था अबाउट दिस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. और 1970s में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इवॉल्व इनटू यूनिवर्सल स्कीम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड. और 1992 तक हमारे पास पीडीएस चल रहा था, और 1992 में हमने आरपीडीएस लेके आ गए, दैट इज रिवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. और इसमें हमने क्या किया कि हम रीच बढ़ाएंगे, तो जितने भी फारफ्लंग एरियाज थे, हिली एरियाज थे, रिमोट एरियाज थे और इनएक्सेसिबल एरियाज थे या अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस थे, उन तक हमने ये खाना पहुंचाया, ये सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स पहुंचाए. और उसके बाद हमने 1997 में टीपीडीएस, दैट इज टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हमने अडॉप्ट किया 1997 में. क्यों अडॉप्ट किया? जस्ट टू मेक श्योर दैट हमने क्या किया, हमने हाउस होल्ड्स को दो हिस्सों में बांटा. एक था बीपीएल एंड दूसरा था एपीएल, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन. और इसके बाद हमने फोकस किया अंत्योदय अन्न योजना पे, विच वॉज अ स्टेप फॉर मेकिंग द टीपीडीएस एम एट रिड्यूसिंग द हंगर एक्चुअल में. ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना, इसका जो बेस ऑब्जेक्टिव था विच वॉज अबाउट हंगर, इसका एक्चुअल में मोटिव ये था कि उन लोगों तक पहुंचाना खाना जिनके पास बिल्कुल पैसा ही नहीं है खाना खाने के लिए. और ये आई थी 2000 में स्कीम आई थी फॉर 1 करोड़ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज. ठीक है, 1 करोड़ पुअरेस्ट ऑफ पुअर फैमिलीज,
ये आपको ध्यान में रखना है कि ये क्यों आया था और कौन सी स्कीम किस लिए आई थी। इसके बाद 2000 के बाद हमारे पास 2000 के बाद अगर आप देखो तो 2013 में हमने लॉन्च किया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें डिस्कस की गई है इस एडिटोरियल में और ये सब चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम इसका बैकग्राउंड जान सकें। और 2013 का जो एक्ट था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, व्हाई वाज दिस एक्ट देयर, इट वाज जस्ट टू मेक राइट टू फूड अ जस्टिसेबल राइट। तो अगर आपको याद होगा जस्टिसेबल राइट्स एंड नॉन जस्टिसेबल राइट्स और जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स, तो इस चीज को आप देखोगे ठीक है और इस चीज को सही से देखोगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005 वो भी देखोगे और उसके हिसाब में उसी के कंपैरिजन में 2013 वाला एक्ट देखोगे कि क्या नेचर चेंज होता है एक राइट का जब वो जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल से उठ के जस्टिसेबल बनता है, या एक लीगल राइट का क्या स्कोप होता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट का क्या स्कोप होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें हमारे बैकग्राउंड में थी और हमने ये जाननी जरूरी है। अभी हम और थोड़ा पढ़ेंगे बैकग्राउंड के बारे में एंड ऑल द बैकग्राउंड इज अबाउट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ओनली, सो दैट आपके पास कोई प्रॉब्लम ना रहे इस सब चीज को लेके। आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझ गए तो आपका मीन्स का एक पूरे का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है और आपको एटलीस्ट एक आंसर आपका बन जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, क्योंकि यूजुअली फूड सिक्योरिटी पे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, या फूड सिक्योरिटी या फूड सेल्फ सफिशिएंसी, या अभी जो एग्रीकल्चरल क्राइसिस चल रहा है, या पिछले अभी सैटरडे के न्यूज़पेपर में भी हमने पढ़ा दैट अगर आप अभी देखो तो टोमेटो का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। टोमेटो का प्राइस 200 रुपये किलो जा रहा है, ठीक है 200 रुपये किलो ठीक है पर केजी। और अगर आपने शायद सैटरडे का पेपर पढ़ा होगा तो सैटरडे के पेपर में इट वाज अबाउट मैकडी, ठीक है, दे आर ग्रोइंग टोमेटोज इन हाइड्रोपोनिक्स एंड दीज हाइड्रोपोनिक्स आर द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ग्रोन हाइड्रोपोनिक्स। और ये टोमेटोज अब ये खुद के ग्रो करेंगे किसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, सो दे विल बाय अ स्पेस, ठीक है कोई एक बिल्डिंग रेंट पे ले लेंगे, उस बिल्डिंग का पूरा एटमॉस्फेयर कंट्रोल करेंगे, कैसे उसका टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे थ्रू द यूज ऑफ एसीज, उसमें फैंस लगाएंगे फॉर विंड, उसमें लाइटनिंग लगाएंगे फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड ऑल ऑफ दिस इज अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो वो सब चीजें आपको पढ़नी जरूरी है और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये सब चीजें रेलिवेंट है किसी हद तक, क्योंकि अगर आप देखो तो पीडीएस में भी हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे काम करते हैं, ठीक है, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे हम प्रोक्योर करते हैं फूड्स, जितने भी फूड ग्रेन्स होते हैं और उनको सेल करते हैं एट सेंट्रल इशू प्राइस, ठीक है। तो इसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी कंपोनेंट्स है वो हमने देख लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, एफसीआई का क्या रोल है, स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या रोल है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ पीडीएस तो हम सबको पता ही है कि कितनी ज्यादा है और इशूज इसमें है। अभी जो करंट इशू है वो ये है कि अभी इन्होंने बोला है कि जिनको ऑलरेडी 5 kg मिल रहा है उनको हम ऐड करके देंगे 5 kg। नाउ दिस ऑथर इज क्रिटिसाइजिंग देयर एंटायर प्रोसेस एंड शी सेज अबाउट दी टू प्रॉब्लम्स विच आर देयर इन पीडीएस। फर्स्ट प्रॉब्लम इज अबाउट इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ द पीडीएस इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। तो ये पहुंच ही नहीं पा रहा है उन लोगों तक जिन लोगों तक इसको पहुंचना था। एंड दूसरा है लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स दैट इज पल्सेस एंड ऑयल्स। अभी तक उन लोगों को दिया ही नहीं जा रहा है पल्सेस एंड ऑयल्स, मतलब अभी तक सारे लोगों को मिल ही नहीं रहा है, अभी तक हम वी आर स्टिल फोकसिंग ऑन वीट एंड राइस। तो ये दो चीजें ऐसी है जो अगर इनएडिक्वेट कवरेज है तब भी पीडीएस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। अगर न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है तो हमें माल न्यूट्रिशन होगा, माल न्यूट्रिशन होगा तो हमें स्टंटिंग, एनीमिया, लो बर्थ वेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब चीजों का फोकस, ये सब चीजों पे हमारा ध्यान चला जाए और ये सब चीजें हमें फेस करनी पड़ेंगी और ये सब चीजों के टारगेट्स हमें कभी अचीव नहीं होंगे। नाउ द थिंग इज मार्च 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट दे विल डबल द राशन फॉर दोज हु हैव राशन कार्ड्स। अब सेम चीज यहाँ पे कांग्रेस भी बोल रही है दैट दे विल डबल द राशन फॉर दोज हु हैव नेशनल दीज राशन कार्ड्स। अगर आप यहाँ पे ऊपर देखो तो 5 kg उन्हीं को तो मिल रहा है जिनके पास ऑलरेडी राशन कार्ड है। तो यहाँ पे
doubling the ration to those who already have ration cards. इसका जो ऑब्जेक्टिव है बेसिक अगर हम देखें तो वो लैक हो रहा है, वो प्रॉब्लम में आ रहा है, दैट इज कवरेज. ये था कि जितने भी लोग गरीब हैं उनको खाना मिले, जिनको न्यूट्रिशियस फूड अचीव नहीं हो रहा है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है उतना कि वो न्यूट्रिशियस फूड खा पाए, तो इसलिए उनके लिए पीडीएस है. जबकि हम ये कर रहे हैं कि जिनको ऑलरेडी दे दिए हैं, जिनको फूड सिक्योरिटी के नेट में हमने इंक्लूड कर रखा है, उन्हीं का इंक्रीज कर रहे हैं. एक्चुअल में अगर आप देखो तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का जो कवरेज है, दिस कवरेज इज अबाउट 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन एंड 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, एंड दिस लीव्स अ वाइड स्कोप फॉर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन टू बी लेफ्ट बिहाइंड. ठीक है, और इसमें 1.3 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है. तो द सेंट्रल गवर्नमेंट दीज कवरेज रेशोज adjusted to the accounts for state wise property levels with 2011 population. अब 2011 का population का data जो है उस हिसाब से central government जो है coverage ratio दे रही है, that is 50% of the rural and 50% of urban and 75% of rural. अब problem ये आ रहा है कि 2011 का जो population था that was much more different than what is currently. जितना उस टाइम पर population ratio था rural urban का, अभी बहुत ज़्यादा change हो गया है. urbanization का rate increase हुआ है, अभी प्रोजेक्शंस बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं करंट लेवल पे. ठीक है, तो द कवरेज हैज क्लाइम्ब फ्रॉम अंडर 500 मिलियन टू 800 मिलियन एट इट्स करंट लेवल. तो दैट इज द चेंज व्हिच हैज बीन सीन इन दिस कवरेज रेशियो. तो द प्रॉब्लम जो अभी आ रहा है 2023 में इज दैट वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद द 2011 सेंसस पॉपुलेशन. तो दैट इज वाई दिस ऑथर इज क्रिटिसाइजिंग द प्रोसेस. जहां पे हमें ध्यान जाना चाहिए वहां पे हम नहीं कर रहे, जस्ट मेकिंग द पॉलिटिकल स्टंट ऑफ इंक्रीजिंग द राशन फ्रॉम 5 केजीज टू 5 मोर केजीज विल नॉट एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम. एंड देयर आर सम प्रॉब्लम्स जिसको हम बोलते हैं इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर. एंड दिस एक्सक्लूजन ऑफ 113 मिलियन पीपल इन इंडिया एंड अराउंड 1.1 मिलियन पीपल इन कर्नाटका, व्हाई इज देयर? बिकॉज देयर इज अंडर कवरेज, कवर ही नहीं कर पा रहे हैं उस एरिया को जहाँ पे लोग रह रहे हैं. फार फ्लंग एरियाज को कवर नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को कवर नहीं कर पा रहे हैं जिनके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है. तो जिनके पास राशन कार्ड है उनको 5 kg तो मिल रहा है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है. तो दैट इज वेयर वी शुड फोकस. एंड देयर इज वन मोर पार्ट और वन मोर पॉइंट हियर, दैट इज ओपन मार्केट स्कीम. ठीक है, अब ये ओपन मार्केट स्कीम क्या है इसको आपको थोड़ा सा देखना होगा. ओपन मार्केट स्कीम क्या है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि ओपन मार्केट स्कीम इसलिए थी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी फार्मर्स हैं, वो अगर फूड ग्रीन्स बेचना भी चाहते हैं तो दे कैन गो टू ओपन मार्केट एंड सेट देयर प्राइसेस टू इंप्रूव द सप्लाई एंड दे कैन जस्ट सेल देयर दीज फूड ग्रीन्स इन द ओपन मार्केट ऑल्सो. हाउएवर दिस OMSS और ओपन मार्केट स्कीम, ओपन मार्केट सेल स्कीम, इट वॉज देयर इन तमिलनाडु एंड अदर स्टेट्स ऑल्सो, बट इसको डिसकॉन्टिन्यू किया गया था. Why was this discontinued? अगर आप इसके reasons देखो तो यही एक चीज है जहाँ पे PDS system का main जो problems है, जो main challenges है वो समझ में आते हैं हमें. That is one, it supports the producers by acquiring, by procuring wheat and rice at minimum support price. ठीक है, ये support करती है producers को for procuring. Two, the central government uses this to meet the needs of public distribution system. ठीक है, FCI procures grains on 3 broad purposes. FCI का purpose क्या है? Food grains खरीदने का. पहला purpose ये है, FCI food grains क्यों लेती है? पहला ये लेती है कि जितना भी ये wheat and rice खरीदती है, that is at the level of MSP. That is minimum support price. Second is that the needs of public distribution system are being fulfilled. FCI खरीदती है, PDS में दे देती है, और जो PDS या NFSA के अंदर हमारे कमिटमेंट्स है वो पूरे हो जाते हैं. अ कंज्यूमर्स सब्सिडी एंड द थ्री इज इट मेंटेन्स द स्टॉक्स आर यूज्ड फॉर प्राइस स्टेबलाइजेशन. अब जब भी कभी ऐसा होता है दैट कि मार्केट में अनियन का प्राइस ज्यादा हो गया, वीट का प्राइस बहुत ज्यादा हो गया, राइस का प्राइस बहुत ज्यादा हो गया, तो जितना भी स्टॉक होता है इस टाइम पे FCI के पास, वो ओपन मार्केट सेल में FCI लेके आती है और मार्केट में डाल देती है वो स्टॉक, और उसकी वजह से प्राइस स्टेबलाइज हो जाता है. ठीक है, तो नाउ रिसेंटली OMSS हैज बीन इन न्यूज. व्हाई? बिकॉज
दिस इज क्रूशल फॉर दोज स्टेट्स दैट गो बियॉन्ड एनएफएसए एंटाइटलमेंट्स. अगर कोई इंसान, कोई स्टेट जो नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम, फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर एंटाइटलमेंट्स है 5 kg के, उससे ज्यादा दे रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम. अब वहां पे अगर स्टेट ज्यादा दे रहा है तो वो कहाँ से फूड ग्रेन्स उठा रहा है? वो एफसीआई के फूड ग्रेन्स उठा रहा है. और एफसीआई कहाँ से उठा रही है? एफसीआई लोगों से खरीद रही है. और इसका मतलब क्या है? मार्केट में फूड ग्रेन्स जा ही नहीं रहे, विच इज क्रिएटिंग अ बबल, और जिसकी वजह से मार्केट में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है कि वहां पे सप्लाई ही नहीं जा रहा है. तो नाउ द थिंग इज लाइक द स्टेट्स इन तमिलनाडु दैट रिलाई ऑन ओएमएसएस बल्क सेल्स बाय एफसीआई टू सपोर्ट देयर यूनिक यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैव सीन दिस चैलेंज. तो COVID-19 में क्या हुआ था, दैट दिस ओएमएसएस ग्रेन टू रन द कम्युनिटी किचन एंड सप्लाई फूड पैकेट्स दिस वॉज बींग यूज. ठीक है, एफसीआई ने सपोर्ट किया था इस चीज को. दिस इज द रूट दैट कर्नाटका गवर्नमेंट वॉज रिलाइंग ऑन टू फुलफिल इट्स अन्ना भाग्य प्रोमिस. अब ये क्या करते हैं, ओपन मार्केट सेल्स स्कीम के द्वारा या एफसीआई के द्वारा ज्यादा प्रोक्योरमेंट करते हैं और फिर ओएमएसएस में उसको लाइक थ्रू दैट दे कैन रीराउट द फूड ग्रेन्स. नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन 3 reasons फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ओएमएसएस. अब reasons क्या क्या है? फर्स्ट वॉज, वन, इट क्लेम्स दैट ओएमएसएस कैन परफॉर्म इट्स प्राइस स्टेबिलाईजेशन रोल बेटर इफ द ग्रेन इज रिलीज्ड थ्रू द मार्केट रादर देन थ्रू पीडीएस. अब पीडीएस के थ्रू ग्रेन रिलीज हो जाए मार्केट में, कि वो पहले स्टेट प्रोक्योर करे, फिर कंज्यूमर्स को दे, या फिर पीडीएस के थ्रू मार्केट में डाले, तो उससे अच्छा ये था कि ये जो फूड ग्रेन्स है ये डायरेक्ट मार्केट में चले जाए, जरूरत नहीं थी उस चीज की. सो दिस इज नॉट अ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू द ऑथर बिकॉज शी सेज दैट देर आर टू आर मोर दैट दी आर्ग्यूमेंट एज द टू आर मोर और लेस इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों सेम ही है. वो फूड ग्रीन्स इस रास्ते से जाएं या इस रास्ते जाएं, जाना मार्केट में ही है, तो इससे कोई इशू तो नहीं आना चाहिए, या दोनों ही बराबर हैं. इनफैक्ट हमें ये नहीं पता कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स है जो ओएमएसएस राइस एक फिक्स्ड प्राइस पे ले रहे हैं, क्या वो उसी फिक्स्ड प्राइस पे ये चीज कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे, तो वहां पे एक दिक्कत आ जाएगा. सेकेंड वॉज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सप्रेस्ड वरीज अबाउट मेंटेनिंग द ग्रेन स्टॉक एट कंफर्टेबल लेवल. अब ग्रेन स्टॉक मतलब जितना भी एफसीआई प्रोक्योर कर रहा है, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स को दे रही है, तो वहां पे कवरेज का दिक्कत आता है, स्टोरेज का दिक्कत आता है. और वहां पे एक मेथड चलता है कवर एंड प्लिंथ मेथड. ठीक है, दैट दे आर टेकिंग दीज गनी बैग्स और जूट बैग्स जिसमें राइस होता है, वीट होता है, और उसको स्टोर कर लेते हैं, ऊपर से तारपेलिन डाल देते हैं जिसको हम त्रिपाल बोलते हैं, वो डाल देते हैं. अब इसमें क्या होता है, इसमें फर्मेंटेशन स्टार्ट होता है, यीस्ट लगना स्टार्ट होता है, और उसकी वजह से पिछले साल भी या पिछले के पिछले साल भी हमने देखा था बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए थे बाय दिस पीडीएस राइस और पीडीएस वीट जो उनको मिला था ड्यू टू दिस इन्फेक्शन एंड दिस फर्मेंटेशन और प्रोडक्शन ऑफ यीस्ट इन दैट. थर्ड रीजन वॉज दैट एक तो ये स्टॉक्स नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, और तीसरा रीजन क्या है, that the state governments are going to give the food grains to the same beneficiaries as under the NFSA or for the beneficiaries of the state schemes or for the beneficiaries of the state schemes, and that the central government has an obligation of 600 million people who are not covered by the public distribution system. ठीक है, तो public distribution system में जो 600 लोग नहीं आ पा रहे हैं उनको अगर हमें food grains पहुंचाने हैं तो उस लिए ओएमएसएस हमें हटाना पड़ेगा और डायरेक्ट मार्केट एक्सेस दे देना पड़ेगा, और उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, उन तक भी खाना पहुंच जाएगा. तो स्टेट गवर्नमेंट्स आर गोइंग टू गिव द फूड ग्रेन्स टू द सेम बेनिफिशियरीज एज दे आर अंडर द एनएफएसए. जो हम देख रहे हैं यहाँ पे दैट सेम बेनिफिशियरीज को पैसा, ये फूड ग्रेन्स जा रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी राशन कार्ड हैं, तो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दोज हु आर आउटसाइड द नेट ऑफ दिस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑब्लिगेशन टू फुलफिल द 600 मिलियन पीपल इज बेस्ट मेट बाय अदर मींस. अब ये कैसे कर सकते हैं, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ये अपडेट कर दें, और जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है अभी, करंट प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है 2011 का डेटा हटा के, जो अभी करंट प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है उस पर काम करें. ठीक है, हाउएवर ब्लॉकिंग ओएमएसएस सेल्स टू स्टेट सजेस्ट दैट while the central government is unwilling to spend on this, it wants to prevent state governments from doing so. So,
यहाँ पे ऑथर का ये अपना व्यू है, हमें इसमें जाने का जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस वॉट एवर इज दिस ऑथर सीइंग हियर, ठीक है, क्योंकि इट जस्ट क्रिटिसाइजेस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द स्टेट्स व्यू, तो इसको हटा दो. नाउ हमारे लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो हम वे फॉरवर्ड में यूज कर सकते हैं, नॉट फॉर ओनली कर्नाटका बट फॉर द होल पीडीएस सिस्टम, ठीक है. तो पहला चीज ये है कि हमारे पास वे फॉरवर्ड क्या होगा, पहला दैट इज वाई प्रोमिसेस फॉर मोर राइस टू दोज हु ऑलरेडी गेट 5 किलोग्राम्स ऑफ राइस. तो ये वाला इशू हमारे पास आएगा, दैट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पीडीएस सिस्टम, जिसमें 5 किलो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है. तो ये कॉन्टेक्स्ट हमें याद रखना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन आता है दैट देर इज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. द फर्स्ट रीजन विल बी दैट वी शुड गो बियॉन्ड, फर्स्ट वे फॉरवर्ड विल बी दैट वी शुड गो बियॉन्ड राइस एंड वीट, और हमें वो चीजें भी प्रोवाइड करनी चाहिए जहां से न्यूट्रिशन होता है, जो चीजें अभी तक प्रोवाइड नहीं की जा रही है वो चीजें, और जो 1.1 मिलियन कर्नाटका में है इसको रिप्लेस करके आप लिखो 111 मिलियन पीपल हु आर देयर इन ऑल ओवर इंडिया, जो इस सिक्योरिटी नेट से बाहर हैं, उनको इंक्लूड करना चाहिए. तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है. देन देयर इज वन मोर थिंग दैट इज प्रोक्योरिंग द मिलेट्स टू मीट द ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एक्सपेंडेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज अ सेंसिबल ऑप्शन. तो मिलेट ईयर और द मिलेट डिकेड अभी चल रहा है, 2023 मिलेट ईयर है, ठीक है, तो इसको आप देख लो. और ये दो चार पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं अगर हमने इनको याद रखा और अपने पास एक नोट बना के रखा और इसको यूज किया हमने एज अ वे फॉरवर्ड फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, which is about restoring the World Trade Organization. World Trade Organizations का crown jewel क्या है और ये सब चीजें क्या है इसको देखते हैं, ठीक है, कि क्या है ये restoring the World Trade Organization's crown jewel. What is World Trade Organization? How it came into force? और कैसे बना था, हर एक चीज पढ़ेंगे और हर एक चीज को ध्यान से देखेंगे, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं World Trade Organization को. World Trade Organization is the only global body, ठीक है. Now, let's begin. So, World Trade Organization is the only global international organization which is dealing with the rules of the trade between nations. ठीक है? तो दो nations का trade क्या है आपस में? उसमें जो rules है for the impartial trade or for the balanced trade, उसके लिए WTO का agreement, WTO negotiation body, इसमें जो general council है, dispute resolution settlement system है, वो सारी चीजें important है. तो WTO के अभी कितने members हैं? 164 members, including EU. EU के साथ 164 members, plus इसमें 23 observer governments है, जिसमें ईरान, इराक, भूटान या लीबिया वगैरह लोग आते हैं. तो what are the key goals of this WTO system? Is first is trade barriers को हटाना, ठीक है, trade barriers को हटाना है. और दूसरा क्या है, दैट दिस द रिजल्ट इज रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और चीपर रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ फिनिशड गुड्स एंड सर्विसेज, मोर चॉइस एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू द लोअर कॉस्ट ऑफ पॉपुलेशन. तो है क्या चीज एक्चुअल में बात ये है कि जो आप देख रहे हो यहाँ पे कि अगर ये WTO ट्रेड बैरियर्स को हटाता है, WTO अगर ट्रेड बैरियर्स को हटाता है तो उससे क्या होगा, उससे हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगा, इम्पोर्ट एंड द प्रोडक्शन और द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी चीपर और देर विल बी रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स और फिनिशिंग गुड्स एंड द सर्विसेज ऑल्सो. और उसकी वजह से दिस WTO और द इंटरनेशनल ट्रेड विल बी ऑन अ बेटर पोजिशन. और ये चीज जरूरी है. WTO के और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, लाइक स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंटरनेशनली इसको कम करना, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना और आर्बिट्रेरीनेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर करप्शन इनको खत्म करना, ठीक है. तो WTO कैन गिव अ वॉइस टू दोस हु आर वीक, मतलब जो भी कंट्रीज ऐसी हैं, जो छोटी कंट्रीज हैं जिनका ट्रेड नहीं हो पा रहा है, आइलैंड नेशंस है, डेवलपिंग आइलैंड नेशंस है जो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिनका नहीं चलेगा बड़े नेशंस के सामने, बड़े ट्रेड जो जैसे बड़े ट्रेड ब्लॉक्स हैं, चाहे वो US है, यूरोपियन यूनियन है, चाइना है, उसके ट्रेड के सामने. बट WTO प्रोवाइड्स अ यूनिवर्सल एंड यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म
for these small nations to be in there in that competition or इनके लिए एक fair competition का provide करता है, एक fair competition provide करता है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो देर वॉज फर्स्ट दिस जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है, जिसको हम GATT बोलते हैं स्मॉल एब्रिवेशन में, एंड दिस GATT ट्रेड्स ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू 1944 में जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। अब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस विच वॉज देयर इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद हुआ था 1944 में, दिस वॉज जस्ट टू एस्टैब्लिश two financial institutions, one was IMF and World Bank, ठीक है। अब ये दो institutions हमने establish किए थे और इसी conference में delegates also recommended that we should also establish an international trade organization, ठीक है, और ये third leg होगा इस system का, ठीक है। तो one will be for finances, another will be World Bank, जिसका key objective is development only, एंड थर्ड विल बी द इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो 1948 में हवाना में एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसका नाम है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, जहां पे द ड्राफ्ट चार्टर फॉर ITO, दिस इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज साइंड, और जिसको बोलते हैं हवाना चार्टर, ठीक है। और यहाँ पे ITO के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक चार्टर साइन हुआ और यहाँ पे ITO केम इनटू फोर्स, बिकॉज दिस हवाना चार्टर नेवर केम इनटू फोर्स एक्चुअली, बिकॉज US सेनेट जो था, US ने इसको उस टाइम पे सपोर्ट नहीं किया, इसलिए ये पीछे हट गया। हाउएवर GATT का जो एग्रीमेंट था, दिस वॉज साइंड बाई 23 कंट्रीज इन जेनेवा इन 1947, और इसकी वजह से क्या हुआ दैट GATT केम इनटू फोर्स, so just to phase out the import quotas and to reduce the tariffs on merchant trade. अब अगर GATT यहाँ पे 1947 में enforce हो गया, this never came into force or this never came into picture. Now the thing is this GATT which was signed by 23 countries in 1947, इसने provide किया था for import quotas को reduce करना प्लस टैरिफ्स ऑन मर्चेंट ट्रेड, इसको रिड्यूस करना, ठीक है। अब अगर ये दो चीजें हो रही है, ये दो चीजें हो गई है, दैट दे आर रिड्यूसिंग द इंपोर्ट कोटा एंड दे आर रिड्यूसिंग दिस ट्रेड टैरिफ ऑन मर्चेंट ट्रेड, तो इट मींस कि जो GATT है ये भी एक यूनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है फॉर ट्रेड और फॉर इक्वल ट्रेड। तो दिस GATT बिकेम द ओनली मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट, बट दिस वॉज नॉट एन इंस्टीट्यूशन, ये याद रखना है। GATT इज एन एग्रीमेंट, दिस इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन बनने वाला था ITO, जो कि नहीं बन पाया, ठीक है। तो स्टिल देर आर ओनली टू प्रोविजन अंडर GATT और जो चल रहे थे अभी 1955 तक। हाउएवर 1948 में के बाद 1995 में 1995 में WTO establish हो जाता है, और WTO establish होने के बाद the GATT managed to function as the de facto international organization, और GATT के अंदर ही 8 rounds हो गए थे multilateral negotiations के for a better organization, ठीक है, जिसमें 1947 में Geneva round हुआ था, फिर NAK round हुआ, Torquay round हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते 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 हम last में देखते हैं that 1986 और 1994 के बीच में उरुग्वे राउंड्स होते हैं। उरुग्वे राउंड्स में वी बिल्ट इन एजेंडा हुआ फॉर एग्रीकल्चर एंड WTO इंस्टीट्यूशन वाज क्रिएटेड इन 1994 और 1995 में WTO पिक्चर में आ जाता है, ठीक है। और उरुग्वे राउंड्स जो हुए थे इसके बाद हमारे पास आया मराकेश एग्रीमेंट, और मराकेश एग्रीमेंट से ही बना हमारा WTO, ठीक है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस एंड द ओरिजिन ऑफ WTO, और WTO इनकॉर्पोरेट द प्रिंसिपल्स ऑफ GATT, जो GATT के हमने यहाँ पे दो प्रिंसिपल लिखे थे, दैट इज इम्पोर्ट कोटास को डिक्रीज करना और टैरिफ्स ऑन द मर्चेंडाइज ट्रेड इसको डिक्रीज करना। ये दोनों चीजें WTO वेल प्रोवाइड करता है, एंड इसके बाद
WTO replaced the GATT. GATT was an instrument, और उसको replace करके एक institution बना, that is WTO. However, the trade in services and intellectual property rights were not covered by the GATT rules. ये एक point बन सकता है आपका आपके prelims में, that GATT does not cover what? एक तो ये cover नहीं करता है trade in services. एंड ये कवर नहीं करता है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. डन. तो गैट प्रोवाइड्स फॉर द कंसल्टेशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म और डिस्प्यूट सेटलमेंट आर्टिकल्स. नाउ देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन WTO एंड यूनाइटेड नेशंस. तो WTO इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड बॉडी, सो इट्स नॉट UN specialized body or specialized agency जिसको हम बोलते हैं. It has maintained strong relations with United Nations, although, however, WTO and UN relations, they are governed by the arrangements for effective cooperation with other international governments and relations between WTO and United Nations. However, Director General जो WTO का होता है, ठीक है, WTO का डायरेक्टर जनरल, WTO का जो डायरेक्टर जनरल होता है, ही पार्टिसिपेट्स इन द चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड विच इज द ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ठीक है. सो द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नेंस ऑफ WTO का अभी हम पहले ये देखते हैं, क्योंकि ये जो एडिटोरियल है पूरा क्राउन जिवेल ऑफ WTO, दिस एडिटोरियल इज होल अबाउट दिस DSS. अब ये DSS क्या है, क्या काम करता है और कैसे काम करता है, ये हम देखते हैं अभी. कैसे इंस्टीट्यूशन WTO का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है. सबसे ऊपर आता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस. Ministerial conference, which is a topmost decision-making body of WTO, and इसमें जो meetings होती है 2 years पे होती है, 2 yearly meeting, ठीक है, हर 2 साल के बाद, और biennial meetings जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, एक बार meeting होती है, और इसमें जो ministerial conference है, सारे matters या सारे decisions यहीं पे लिए जाते हैं about multilateral trade agreements. And second level पे आता है हमारा general council. ठीक है, विच इज द WTO's हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी, लोकेटेड इन जेनेवा. ठीक है, दिस इज ऑल्सो द डिसीजन मेकिंग बॉडी, विच इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, एंड दिस हैज एन अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस. जो हमने ऊपर देखा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, दिस जनरल काउंसिल कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, which only meets about 2 times a year. ठीक है, तो अगर कोई भी डिसीजन ऐसा है जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में लेना था और 2 साल से पहले ही लेना था, तो उसके बिहाफ पे जनरल काउंसिल जो है वो डिसीजन ले लेगा. नाउ द जनरल काउंसिल ऑल्सो मीट्स अंडर डिफरेंट रूल्स. ठीक है, तो जनरल काउंसिल के भी कुछ रूल्स है. तो फर्स्ट इज जनरल काउंसिल, देन देर इज ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ये एक ऐसी बॉडी है जो ट्रेड पॉलिसीज को रिव्यू करती है कि किसी की कोई ट्रेड पॉलिसी ऐसी तो नहीं है जो इंटरनेशनल ट्रेड के प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रही है. तो दीज थ्री काउंसिल्स ऑन ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ, एंड देयर इज फोर्थ वन विच इज द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी. यही है जिसपे पूरा आर्टिकल बना हुआ है आज का DSU. Three councils, each handling different broad areas of the trade, report to the general council. अब ये जो general council होता है, इसके अंदर 3 और councils हैं, ये 3 और sub councils हैं. One is about goods council, one is for services council,
एंड द थर्ड वन इज फॉर ट्रिप्स काउंसिल. ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है व्हाट इज ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, व्हाट इज ट्रिप्स, एंड ये यूपीएससी ने पूछ रखा है इससे पहले. तो मैं आपको यहाँ पे एक असाइनमेंट देता हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज ट्रेड्स. ठीक है, ये भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है इससे पहले. नाउ द थिंग इज दैट ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी क्या काम करती है. दिस ट्रेड रिव्यू पॉलिसी बॉडी दिस अंडरटेक्स द पॉलिसी रिव्यूज ऑफ द मेंबर्स अंडर टीआरपीएम. तो डायरेक्टर जनरल्स रेगुलर रिपोर्ट ऑन ट्रेड पॉलिसी डेवलपमेंट्स. तो जितने भी ट्रेड पॉलिसी डेवलपमेंट्स होते हैं उन सब पे रिव्यू होता है और वो सारी रिपोर्ट जाती है डायरेक्टर जनरल के पास. तो अभी जो करंट डायरेक्टर जनरल है शी इज फ्रॉम नाइजीरिया, जो फरवरी 2021 में उसने डब्ल्यूटीओ को सुपरसीड किया, मतलब डब्ल्यूटीओ का चेयरमैनशिप लिया था. एंड शी इज द डायरेक्टर जनरल जिसका नाम है ज़ोई ओकोंजो इविलिया. ठीक है, तो इनका नाम है एंड शी वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिनका नाम आपको याद रखना होगा. एंड हो सकता है one word question में आपसे पूछा जाए, not in UPSC but in other exams, जो आपकी help हो जाएगी यहाँ पे. She is the first African official and first woman to hold the position of director general. Now the thing is that dispute settlement body, ठीक है, जो हमारा सबसे important चीज है, that is dispute settlement body. The General Council convenes as the dispute settlement body to deal with the disputes between WTO. So, dispute settlement body जो है ये actual में General Council ही है, ठीक है? वो convenes itself as the dispute settlement body to deal with the disputes between WTO members. अब यहाँ पे होता क्या है? Such disputes which may rise due to the agreement which is contained in the final act of Uruguay round. And these, however, these all of these agreements are subject to the understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes. So, jo rules hai settlement disputes, dispute settlement ke WTO mein, un rules ke andar hi dispute settlement hoga. This DSB or dispute settlement body, iska jo jurisdiction hai, it has establish dispute settlement panels. तो first तो ये settlement panels बनाएगी. Third is, second is, it refers matters of arbitration. ठीक है. And fourth is, it adopts the panel or the appellate body and the arbitration reports. ठीक है. And fourth is, it maintains surveillance over the implementation of the recommendations and rulings contained in such reports, and it also authorizes the suspension of concessions. ठीक है, concessions का suspension करती है और non-compliance and recommendation of rulings. Now the thing is, there is one more body which is known as appellate body. जो यहां से डिसीजंस आते हैं, अगर उनका अपील करना है हमें यहाँ पे, तो जो भी WTO का डिसीजन होगा, जो भी दो बॉडीज होंगी या दो कंट्रीज होंगी जिनका डिस्प्यूट चल रहा होगा, उनका जब भी डिस्प्यूट सेटल नहीं होगा तो वो उसका अपील करने जाएंगे कहाँ पे, अपीलेट बॉडी में. ठीक है. नाउ दिस अपीलेट बॉडी वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन 1995, ठीक है, अंडर द आर्टिकल 17 ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट और द रूल्स ऑफ rules and procedures for governing the settlement of dispute. जिन rules के अंदर DSU काम करता है, rules का नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, that is never gonna be asked by UPSC. And DSB shall appoint persons to serve on the appellate body for a 4-year term. ठीक है, तो इसमें जितने भी लोग होंगे उनका term होगा 4 years का. ठीक है, और ये 4 years का term होगा, 4 years का term होगा. और इसके बाद क्या होगा? It's a standing body of 7 persons that hears appeals from reports issued by the panels, disputes brought by WTO members. The appellate body can uphold, modify or reverse the legal findings and conclusions of the panel. Now the thing is, appellate body हमने पढ़ ली और DSU हमने पढ़ लिया.
अब वापस आते हैं हम अपने आर्टिकल पे, और आप देखोगे यहाँ पे आपको ये आर्टिकल समझना अब इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक के आर्टिकल समझ में भी नहीं आता कि ये डीएसबी क्या है और ये कैसे बनता है और क्या काम करता है और कैसे काम करता है. नाउ देयर इज दिस क्राउन ज्वेल जिसको बोला जाता है, दैट इज डब्ल्यूटीओस डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम. ठीक है, और ये ऑथर बताते हैं हु इज अ फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज इन द साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ही सेज दैट इस डीएसबी को वापस रीएस्टैब्लिश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. क्यों जरूरी है? बिकॉज देयर इज दिस फंडामेंटल और दिस प्रॉब्लम व्हिच इज गोइंग ऑन इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसको बोलते हैं डी जुडिशलाइजेशन ऑफ ट्रेड मल्टीलेटरलिज्म. इसका मतलब क्या है? डी जुडिशलाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले क्या था, डब्ल्यूटीओ क्यों आया? हमने देखा दिस इज फॉर establishing the trade, it's for establishing the impartial trade or the free trade between the countries without any tariffs or without any impartial balance or without any such thing jisme discriminatory trade practices ho. ab judicialization ka matlab kya hai? humne ek institution aisa banaya jo trade ke disputes ko solve kare, jo ye check kare ki trade ka dispute chal raha hai kahin pe, ya koi insaan ya koi not insaan koi aisi country जो गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रही है तो उनको पकड़ ले, ठीक है, उन पे सैंक्शंस लगाए. नाउ द थिंग इज, ये तो जुडिशियलाइजेशन था, दैट इज मेकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस. हाउएवर व्हाट इज हैपनिंग इन द करंट सिनेरियो इज देयर इज दिस डी जुडिशियलाइजेशन ऑफ ट्रेड मल्टीलेटरलिज्म. ठीक है, ट्रेड मल्टीलेटरलिज्म इज अ डिफरेंट टर्म एंड डी जुडिशियलाइजेशन इज अ डिफरेंट टर्म. डी जुडिशियलाइजेशन मीन्स इन इंस्टीट्यूशंस को हैम्पर करना इनके काम से. अब ये इंस्टीट्यूशंस हैम्पर कैसे होंगे? इनकी जो बॉडीज होंगी, जैसे जहां पे ये काम कर रहे हैं, जो डीएसयू है या डीएसएस डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम डब्ल्यूटीओ का, इसको हैक कर लेना, इसमें अपॉइंटमेंट्स ही नहीं करना, अपीलेट बॉडी बनाना ही नहीं, ठीक है, जनरल काउंसिल की मीटिंग ही नहीं होने देना, ठीक है, एंड ऑल ऑफ दिस इज बीइंग डन बाय यूनाइटेड स्टेट्स. And this author is directly alleging that with the United States now hostile towards WTO dispute settlement system, ठीक है, that United States is hostile towards it, the resurrection of the mechanism by 2024 could face a trouble. कि जो अभी DSB बनने वाला था, this may face a trouble. क्यों? क्यों trouble होगा? Because actually US का hegemony है यहाँ पे, और all other countries they cannot like directly go and set up the, however they can do, they have that prerogative to do that. But he says, अगर आप यहाँ पे देखो, that he says on voting that it will be a fool's errand to negotiate with US to put the appellate body back on track. However, the other countries have an option. They have an option to elect the appellate body members by resorting to voting at WTO General Council meeting. वो WTO General Council meeting में जाकर voting करके अपना वापस बना सकते हैं. However, just to establish this trade multilateralism, why is WTO there? कि जो international trade है उसमें multilateralism होगा. जितनी भी countries हैं, किसी भी country से कोई भी country trade कर सकती है. They can trade with each other. But this multilateralism is under threat due to the absence or due to this de-judicialization of the institutions. ठीक है, तो अभी तक आपको समझ आ गया ये सारी चीजें. Now there are some things जिनको हमें समझना पड़ेगा. That is precedent problem. What is precedent problem is कि अगर कोई भी body जो judiciary के nature की body होती है, वो अपना एक पुराना decision दे देती है, तो उसी decision के according अगर दूसरा कोई case आता है जो similar nature का होता है, तो उस सिमिलर नेचर के केस में प्रेसिडेंट चलता है. प्रेसिडेंट इज सच अ थिंग कि जो पिछला हमने दे दिया, एक वर्डिक्ट दे दिया, उसी वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग नया वर्डिक्ट सेटअप होगा, या उसी वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग नया एक ऑर्डर आएगा. ठीक है, जो नया कोई केस होगा, क्योंकि ऑलवेज यू कैन नॉट गो डायरेक्टली टू द WTO एंड सेटअप अगेन द पैनल एंड स्टार्ट डिस्कसिंग दीज इश्यूज ऑफ डिस्प्यूट. अब ये डिस्प्यूट्स बार बार, एक ही टाइप का डिस्प्यूट बार 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 आप सेटल डाउन नहीं करोगे और एक ही तरीका नहीं एस्टैब्लिश करोगे. हाउएवर देयर इज दिस मैकेनिज्म कि इंटरनेशनल गवर्नेंस में या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये प्रोसीजर नहीं चलता है. दैट इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टेयर डिसाइसिस. ठीक है, दैट इज देयर इज नो रूल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस, दैट इज देयर इज नो रूल ऑफ प्रेसिडेंट इन द इंटरनेशनल लॉ.
अब अगर ये प्रेसिडेंट नहीं होता है इंटरनेशनल लॉ में, देन मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम चलेगा कैसे? ठीक है, हाउएवर अगर आप देखो तो ये ऑथर बोलता है दैट देयर आर अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो जहां पे प्रेसिडेंट चलता है. ठीक है, एंड ही गिव्स हियर एन एग्जांपल आल्सो एंड ही सेज दैट द इंटरनेशनल कोर्ट आल्सो फॉलोज दिस प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिडेंट. तो सच आर द इश्यूज जो इसने हाईलाइट किए हैं ऑथर ने. एंड नाउ द थिंग इज हाउ इंडिया कैन बी अ की पॉइंट हियर फॉर हाउ इंडिया कैन लीड टू दिस. एंड ओके, देयर इज वन मोर थिंग दैट इज इन दिस ज्यूडिशलाइजेशन एंड इट्स अबाउट इनविजिबल हैंड एंड विजिबल हैंड ऑफ द लॉ. एंड दिस ऑथर हियर टॉक्स अबाउट दीज टू प्रिंसिपल्स दैट इज ही आर्ग्यूज दैट द नियो लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम the invisible hand of the market competition should be complemented by the visible hand of the law. ठीक है, it means, it says that कि जो हम believe करते थे invisible hand पे, that is the market will be regulated on its own, जो concept था Adam Smith का, that the invisible hand regulates the market itself. However, जब हम देखते हैं mixed economy में हम देखते हैं that government can intervene in the market just to regulate it. And this author again talks about that only, that is the visible hand of the law. कि law होना चाहिए तभी जाके ये चीजें establish होंगी. However, this judicialization of international institutions or judicialization of international trade may lead to a threat of sovereignty to the nations. However, the thing is कि अगर ये नहीं होगा then decision making कैसे होगी और geo economics पूरा change हो जाएगा. And there will be challenges which are being posed by the rising China and US who want to exercise the full power over its trade policies. So, isliye the thing is we should not mix up the sovereignty of nations with the trade decisions or with the fair trade practices. Theek hai, so that is all of this discussion jahan pe ye bol rahe hain author that ki WTO ka jo chief or the crown jewel hai usko re-establish karna zaruri hai just to re-establish the multilateral trading system. और मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम होगा तभी कंपटीशन होगा, तभी मार्केट में कोई चीज चलेगी और तभी एक फेयर मार्केट प्रोवाइड होगा एट द इंटरनेशनल लेवल. हाउएवर ही आल्सो पॉइंट्स आउट टू दिस चैलेंज ऑफ कंट्रीज गोइंग अगेंस्ट द यूएस हेजेमनी. इस पूरे आर्टिकल में ऑथर ने बहुत सारे थिंकर्स का नाम यूज किया है, ठीक है, जिनको मैं एनसर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे. इन थिंकर्स को यूज ये याद रखना it's only important for the political science and the economics optional students, not for all. jitne bhi students hai yahan pe jo bas gs ke liye pad rahe hain, international relations ke liye pad rahe hain, international organizations ke liye pad rahe hain, unke liye ye naam yaad rakhna zaruri nahi hai. students who are there in polity they can remember this keyword polity ke liye, gs polity ke liye ye keyword yaad rakhna hai, that is stare decisis, what does it mean. so moving ahead to the blurred lines एंड इस एडिटोरियल में फर्स्ट हाफ इज इम्पॉर्टेंट ओनली. ठीक है, ये न्यूज अभी दो तीन दिन पहले भी आई थी एंड इट टॉक्स अबाउट द यूएस रेडीनेस टू एस्केलेट द मैटर ऑफ रशिया एंड यूक्रेन वॉर. क्यों? क्योंकि यूएस ने एक्चुअल में अभी क्या किया है, इट्स डिसीजन टू सेंड द क्लस्टर म्यूनिशंस टू यूक्रेन. अब ये यूक्रेन भेज रहा है अपना एम्युनिशन. अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा, अगर आप देखो तो देर इज दिस कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस जो इस ऑथर ने इस एडिटोरियल में लिखा हुआ है. अब क्लस्टर म्यूनिशंस क्या है और दिस कन्वेंशन क्या है, दिस कन्वेंशन बैन्स ट्रांसफर प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ क्लस्टर म्यूनिशंस. ये पॉइंट लिख के रखो दैट द कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट प्रोहिबिट्स ऑल द यूज ट्रांसफर एंड प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ क्लस्टर म्यूनिशंस. cluster munitions are explosive, these are explosive weapons which scatter submunitions that is bomblets over an area. ab isme chote chote bomblets hote hain jo ek area mein phail jate hain aur wahan pe kya hota hai, theek hai, they are the weapons of defense aur ye use kiye ja sakte hain. however there is this problem ki cluster munitions jo hai they can explode and impact. however कुछ क्लस्टर म्यूनिशंस ऐसे रह सकते हैं विच आर डड्स. अब ये फटेगा ही नहीं, ये बॉम्ब ही नहीं फटेगा तो क्या होगा, तो ये बॉम्ब ऐसे ही रहेगा
कुछ टाइम तक डर बना रहेगा, कभी सिविल मूवमेंट होगा, वहां से लोग नॉर्मली गुजर रहे होंगे, नॉर्मल सिटीजन गुजर रहे होंगे और ये फट जाएंगे, और दैट इज द प्रॉब्लम जहां पे हम ह्यूमन लाइव्स को लॉस करेंगे। और यहाँ पे ये इशू इसलिए हाईलाइट हुआ है बिकॉज यूएस इज ट्राइंग टू एस्केलेट द वॉर, इट्स नॉट ट्राइंग टू डी एस्केलेट द वॉर और इट्स नॉट ट्राइंग टू रिड्यूस द वॉर। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स है। Now there was one more editorial which is very 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 much important for economy section. इस editorial में what is important इसको देखना जरूरी है। Rest this editorial or this opinion is mainly based on the criticism of the Modi government. तो हम उतना ज्यादा criticism पे नहीं जाएंगे because he gives us three case studies about Argentina, Brazil, फ्रेंच कंपनीज, रशिया, बांग्लादेश। इन सब का ट्रेड कैसा चल रहा है और कैसे चाइनीज युआन इज बिकमिंग मोर एक्सेप्टेबल इन इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस और इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसेस। अब दिस इज एन एनालिट दिस पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट एंड द चेयरमैन ऑफ डेटा एनालिटिक्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो अब जो ये ऑथर है तो ही बिलोंग्स टू द अपोजिशन पार्टी एंड ही कैन गिव us the dimensions or the discussions or the points about this discussion about the criticism of this foolish rupee policy. However, the problem here which he highlights is this, that is the problem is this, and this problem is very much normal. And he says that ki jab India purchase kar raha tha Russian oil to India ke paas do char options the jo ye use kar sakta tha. What were these options? First was ye payment karte kisme dollar mein, बट डॉलर में पेमेंट नहीं कर पाते क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए थे। सेकंड इज इट कैन ट्रेड इनटू रबल, बट रबल एंड रुपी आर नॉट, देयर इज नो पैरामीटर ऑफ कंपेयरिंग रबल एंड रुपी। ठीक है, और अब इंडिया के पास कोई ऑप्शन बच नहीं रहा था तो चाइना केम इनटू पिक्चर। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया और रशिया हैज अग्रीड ऑन पेइंग टू ईच अदर इन चाइनीज युआन और इन्होंने ट्रेड कर लिया आपस में। This author is also criticizing the decision or the claims of RBI, that is ki RBI has been claiming this thing that, or the Indian government has been claiming this thing that is the internationalization of rupee. Aur agar ye internationalization of rupee ka claim chal raha hai that rupee is being recognized at international level, तो author का ये कहना है that why is there such problem कि we are still depending on yuan for China and we are still trading in yuan of China. अब इसमें problem क्या है? अब इसमें problem ये है कि yuan is getting stronger and dollar is getting weaker और Indian rupee is not in picture and that is the whole discussion of this opinion और इसको आपको समझना पड़ेगा। However, India's trade is highlighted here that India is the second largest trading partner. This China is ये चीज देखना जरूरी है। Plus, the essential goods price of essential goods have risen by 5%. That is कि जो ये बोला जा रहा था that by purchasing Russian oil we will decrease the inflation, तो author का कहना है that वैसा कुछ हुआ नहीं, the goods have risen by 5%, inflation बढ़ा हुआ है इससे ज़्यादा। One reason for this is that half the discount of Russian oil went to some companies and कुछ अलग यहाँ पे debate जा रही है इसके बाद। ठीक है, तो this is not important. However, there is this the problem, the quote here which is important is by John Connally, who was the US secretary then in 1971. He says that the dollar is our currency but it's your problem. So how is dollar a problem of international currency or international market mein dollar kya ek problem hai? To aapka assignment hoga de-dollarization of इंटरनेशनल ट्रेड। इस पे आप एक नोट लिख के तैयार करके रखिए अपने पास जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मूविंग टू नेक्स्ट
एडिटोरियल. दिस एडिटोरियल इज अबाउट इकोनॉमी सेक्शन, जीएस पेपर 3 का पार्ट है. बैड लोन्स एट रिकॉर्ड लो, राइट ऑफ स्टिल इन अ मिक्स. अब ये एडिटोरियल इज अबाउट कि कितना एनपीएस कम हुआ है, क्यों एनपीएस कम हुआ है और कैसे एनपीएस कम हुआ है. ये चार चार्ट्स हमें प्रोवाइड करता है. एंड फर्स्ट चार्ट इज अबाउट दैट द ग्रॉस एनपीएस एंड नेट एनपीएस कंटिन्यू टू डिक्लाइन इन मार्च 2023 एंड दिस हैज रीच्ड टू जीएनपीएस 3.9% एंड नेट एनपीए इज 1%. देयर इज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंकिंग सेक्टर व्हिच हैज सीन अ मार्क्ड इंप्रूवमेंट आल्सो. ठीक है. However, this positive shift has contributed to capital to risk weighted assets ratio. CRAR इससे increase हुआ है. अब इससे क्या होगा? That is capital to risk weighted asset ratio अगर increase हुआ है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये समझना जरूरी है. तो CRAR क्या होता है? Capital to risk weighted asset ratio. This is कि एक बैंक ने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया और इसके रिस्क एसेट्स कितने हैं. दैट इज दोज एसेट्स विच आर एप्रिहेंडेड टू बिकम एनपीए. अगर वो एसेट्स एनपीए बनने वाले हैं तो उसके अगेंस्ट में आपने कितना कैपिटल रिजर्व रखा हुआ है. ठीक है. तो अगर एनपीए कम हो रहे हैं तो कैपिटल ऑलरेडी अगर बराबर था भी और उतना ही रहा, इंक्रीज नहीं किया कैपिटल और एनपीएस कम कर दिया अपने, तब भी ये रेशियो इम्प्रोवाइज हो जाएगा. और अगर इन एनपीएस को राइट ऑफ लिख दिया, मतलब इनको बुक कर लिया एज लॉस, अगर इनको बुक कर लिया एज लॉस, तो अब एनपीए चला गया, रिस्क वेटेड एसेट ही चला गया, ये कम हो गया. अब कैपिटल बढ़े या ना बढ़े, रेशियो तब भी इम्प्रोवाइज होगा. So all of this has been highlighted in financial stability report which is being released by RBI and this report is a half yearly report jo har saal issue hoti hai half yearly 6 months ke baad. ye 3 points hamare liye important hai prelims perspective se, ye concept hamare liye important hai prelims perspective se. pucha ja sakta hai ki kaise improvise hoga aur kaise improvise nahi hoga, isliye maine isko explain kiya yahan pe. ye aapko samajhna bahut zaruri hai. then chart third highlights that there is this constant or consistent downward trend since 2021-2022 in gross in the ratio of write off to GNPAs. तो जितने भी banks हैं और जितने भी NPAs हैं उनको write off किया जा रहा है. From 2021-2022 there is this consistent downward trend. ठीक है. However, this author highlights here some points जो एनपीए की पोजीशन को इम्प्रोवाइज करने में हमें हेल्प किया है. फर्स्ट वाज द एसेट क्वालिटी रिव्यू जो आरबीआई ने 2016 से स्टार्ट किया. देयर वर सेवरल अदर रीजंस लाइक द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जिसकी वजह से बैंकरप्सी कम हुई, इंसॉल्वेंसी कम हुई और रिकवरी तेज हो गई उन लोन्स की जो सिक लोन्स थे. डन. एंड द क्वेश्चन हियर रिमेन्स इज दैट it is not known during and soon after the pandemic that what share of loan accounts under COVID-19 related moratorium would turn into NPAs. to ye pehla challenge hai hamara abhi currently ki kaun sa loan aisa hai jisko pehle humne moratorium de diya ki usko expansion de diya ki aap baad mein pay kar dijiye, 2 saal ka time de diya covid ke time pe, but still that loan is yet to be decided ki abhi ye NPA banne wala hai ya nahi banne wala hai. second issue is that there is a sudden shift in portfolio from industries to personal loans. ठीक है. तो पर्सनल लोन्स बढ़ रहे हैं और इंडस्ट्रियल लोन्स जो है वो कम रह रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कल को आगे चल के. थर्ड इज दैट देयर इज फॉल इन एनपीएस एस्पेशली इन फाइनेंशियल ईयर 20 व्हिच कैन बी लार्जली अट्रिब्यूटेड टू द लोन राइट ऑफ्स. ठीक है. अब इनने लोन राइट ऑफ कर लिया, मतलब पुराने लोन्स को राइट ऑफ कर लिया, लॉस कर लिया बुक. हाउएवर नए एनपीएस कितने बनेंगे वो नहीं पता है. प्लस बैंक्स हैव also set aside a part of their profit as a buffer for the potential loss that may arise due to NPAs. ab banks ne ek profit ka share to rakh diya aur uski wajah se hamara capital to risk weighted assets ka jo ratio hai wo increase ho raha hai. to author ka kehna ye hai ya jo yahan pe statistics hame samne dekhne ko mil rahi hai ye financial stability report ki dwara, wo ye hai that there were some reasons also, there are some current challenges also, and there have been some jo abhi humne observations dekhi hai that there are some improvements also in GNPA. ab in sab ka hame kya karna hai, ye
ये और ये और ये हमारे मेंस का पार्ट है, दिस इज हमारे प्रीलिम्स का पार्ट, कॉन्सेप्ट हमारे प्रीलिम्स का पार्ट है, एंड आई होप यू लाइक्ड इट। एंड इसको दोबारा से भी समझना होगा तो रिपीट दिस 2 मिनट्स ऑफ दिस क्लिप, इसको दोबारा से देख के अच्छे से समझ लेना। नाउ अमेंडमेंट टू द पर्सनल लॉज टू इशू द जेंडर जस्टिस, पर्सनल लॉज को अमेंड करना इज जस्ट टू इंश्योर जेंडर जस्टिस। अभी डिबेट चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके, आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ना होगा, एंड देन अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड। सैटरडे के आर्टिकल में देर वॉज अ स्टडी अबाउट द ट्राइबल, दैट इज द ओराउंड ट्राइब, ओराउंड ट्राइब ऑफ झारखंड, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो लूजिंग ऑन देयर की प्रैक्टिस, जो वो सैल ग्रू और दैट सेक्रेट ग्रू का वर्शिप करते थे उस पर भी उनका इफेक्ट आ रहा है। देर आर सम प्रैक्टिस की उन लोगों का इनहेरिटेंस, दैट द मैटर ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज हाउ टू इनहेरिट, that is how to inherit the ancestral property, that inheritance of the property is not there also, kyunki yahan pe inheritance of property cannot go to daughter, she cannot claim to the father's property, however there is this availability that wife can claim to the husband's property। और ये चीजें हैं जो थोड़ी बहुत डिफरेंस है, प्लस देर आर सम इश्यूज विद माइनॉरिटीज आल्सो, वेदर दैट आर रिलीजियस माइनॉरिटीज, कल्चरल और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जो इश्यूज रेज कर रहे हैं, जस्ट राइट देम डाउन एंड सेंड मी ऑल ऑफ दीज इश्यूज ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, और आपको मैं वापस आई विल टेक्स्ट यू बैक विद ऑल द रिव्यूज अबाउट दीज इश्यूज and problems of all of this, ठीक है। कोई भी problem होता है, issue होता है, challenge होता है, and way forward, I'll recommend you go back to the Saturday's paper, Saturday का paper एक और बार देख लो, उसमें अच्छे से लिखा गया था that what are the problems, issues and challenges of all of this, ठीक है। तो उसको देखोगे तो थोड़ा सा help हो जाएगा about issues, challenges and way forward of UCC. Send it on WhatsApp and I'll get back to you and I'll get in touch to you. Report highlights the impact of pandemic on education. Okay. And what is this report? This report is being, ये report अभी release हुआ है, जिसका नाम है Performance Grading Index of Districts. Performance Grading Index of Districts. That is PGID, which is a combined report of 2021-2022. And this table summarizes it. However, हमें देखना है that this report was released by Ministry of Education, ठीक है? और ये report क्या बोलती है? ये report 10 levels और 10 grades में define करती है एक district की performance को. So the topmost grade is Daksh and the lowest most grade is Akshini 3, ठीक है? Akshini 3 वो वाले districts होते हैं जहाँ पे education का is less than 10%. That is the performance of the district is less than 10% in all the 10 in the education sector. Now the thing is, none of the districts which were surveyed earned the title of Daksh and Utkarsh. That is the top most two, Daksh and Utkarsh. These are the top two. That is 90% and 80 to 90% of the score. That is above 90% of the score. This has not been achieved by any of the districts. However, बहुत सारे districts ऐसे हैं, चाहे वो UP में हो, गुजरात में हो, बिहार में हो, चंडीगढ़ में हो या जम्मू एंड कश्मीर में हो, जिनमें बहुत सारे अलग अलग टैग्स मिले हैं, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हाउएवर व्हाट इज इम्पॉर्टेंट हियर इज दैट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सर्वे इज टू हेल्प द डिस्ट्रिक्ट टू प्रायोरिटाइज द एरियाज फॉर इंटरवेंशन इन स्कूल एजुकेशन एंड इम्प्रूव द रीच ऑफ हाइएस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दैट इज हाउ दिस स्कीम इज इम्पॉर्टेंट। ये दो तीन पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है, किस लिए? Prelims के लिए, this is important for our mains, that we can recommend this index
and we can use this line in our mains answer. The last portion is the science section, and science section talks about the primary forests or the tropical primary forests. ठीक है, और ये definition यहाँ पे बहुत ज्यादा important हो जाता है. UPSC can directly frame an MCQ out of this definition. That is, what are the primary forests? Primary forests are the mature natural forests that have remained undisturbed in the recent history. They often store more carbon than other forests and are rich sources of biodiversity. The primary forest loss is almost irreversible in nature. ठीक है, इसको याद रखना है, that this is almost irreversible. यहाँ पे वो कीवर्ड चेंज करके आपका स्टेटमेंट चेंज कर देगा. However, a secondary forest is unlikely to match the carbon sequestration capabilities of the primary forest. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. ठीक है, जब हम कंपैरिजन करते हैं, और ये सेम स्टाइल पे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, सेम ऐसी ही डेफिनेशंस होती है, सेम ऐसी ही लाइंस होती है. अगर आप पिछले साल के पेपर्स देखो तो आपको पता चल जाएगा. नाउ द थिंग इज कि देयर इज वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट व्हिच इज द ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, जो फॉरेस्ट्स को वॉच करता है, फॉरेस्ट को देखता है, एंड इट हैज गिवन इट्स रिपोर्ट रिसेंटली, जिसका नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट. और ये क्या बोल रहा है, दैट द फॉरेस्ट लॉस हैज प्रोड्यूस्ड 2.7 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कि ट्रॉपिकल एरियाज में 4.1 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट कवर हैज लॉस्ट, एंड ड्यू टू व्हिच देयर इज अ लॉस ऑफ 2.7 बिलियन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, एंड दिस लॉस इज इक्विवेलेंट टू लूजिंग 11 फुटबॉल फील्ड्स पर मिनट. तो इतना ज्यादा फॉरेस्ट लॉस हो रहा है. आप अगर इस इमेज में देख पाओ तो दिस इज द फॉरेस्ट एंड दिस इज द लॉस ऑफ फॉरेस्ट. सो नाउ there is this university known as University of Maryland, which says that the primary forest cover loss in tropical areas in 2022 was more than 10% in 2022 only. So 2021 se zyada ho gaya hai forest loss, and now the primary forest loss is almost irreversible, jo humne upar dekha. Theek hai, that is the tagline of this editorial. This global forest and watch finding, ab iska finding kya hai aur isne kya bola hai, that we have two goals. First is we should end the deforestation by 2030, and we should also restore around 350 million hectares of lost and degraded land. ये हमें करना पड़ेगा. That first is two goals. WRI. First was about 2030 tak and deforestation, and second goal is about 350 million hectares ka restoration of forests. theek hai, to ye do goals hai jo hame achieve karne the. And these goals are not yet being achieved. अब ये कुछ reasons दे रहे हैं. First is the primary forests में एक key point है जो हमें याद रखना है. That is the forest cover loss of primary forests has not happened in Indonesia and Malaysia. They have kept it up, and there is no loss of record and low levels in 2022. However, Brazil में Jair Bolsonaro की जब presidency थी तो उस time पे they ignored a bit of the loss of Amazon River. अमेजॉन रिवर में जितना भी अमेजॉन फॉरेस्ट में लॉस हुआ था, अगर आपको उस टाइम पे याद होगा कि वहाँ पे मैसिव फॉरेस्ट फायर चल रहा था बहुत टाइम तक, और उसको ये हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे. देर इज वन मोर पॉइंट हेयर जो आपको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके इकोलॉजी और एनवायरमेंट के परस्पेक्टिव से. दैट इज द फॉरेस्ट लॉस इन अमेजॉन बेसिन नॉट ओनली अफेक्ट्स कार्बन. ठीक है, इट अफेक्ट्स कार्बन क्योंकि कार्बन रिलीज होता है इसमें. क्या बोलते हैं इसको, दो चीजें होती है. फर्स्ट इज कि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा जब भी फायर होगा या जब भी फॉरेस्ट फायर होगा. सेकंड विल बी दैट कि फायर और दी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैपेबिलिटीज जो फॉरेस्ट में होती है वो खत्म होती है क्योंकि फॉरेस्ट ही नहीं बचता. ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करता है दैट एक तो ये कार्बन हो गया एक इफेक्ट कि कार्बन जाएगा एनवायरनमेंट में और सिक्वेस्ट्रेशन नहीं होगी. प्लस देयर विल बी वन मोर थिंग दैट इज रीजनल रेनफॉल नहीं होगा. तो द ऑथर सेज दैट और दिस सर्वे सेज दैट
कि इफ डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूज एट सच करंट रेट, इसमें क्या होगा, देयर विल बी अ टिपिंग पॉइंट, और इस टिपिंग पॉइंट को अगर हमने क्रॉस किया देन एंटायर इकोसिस्टम, देन दिस विल कन्वर्ट मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम इनटू सवानास, ठीक है, कि फॉरेस्ट चेंज हो जाएगा ग्रासलैंड में, समझे। तो ये एक पॉइंट ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है कि टिपिंग पॉइंट को क्रॉस करने के बाद क्या होता है। देयर इज वन मोर टारगेट, दैट इज द डीआरसी हैज लॉस्ट मोर देन हाफ ए मिलियन ऑफ द हेक्टेयर्स एंड प्राइमरी फॉरेस्ट इन 2022, एंड दिस रिपोर्ट हाईलाइट्स दिस के 500 मिलियन एग्रीमेंट मिलियन डॉलर एग्रीमेंट वाज साइंड इन यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज ग्लासगो 2021 में टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट्स ऑफ डीआरसी। हाउएवर नो सच थिंग हैज बीन डन येट, और इस पॉइंट को भी आप याद रखोगे, ये हमारे काम आ जाएगा आंसर राइटिंग में, हमारे आंसर में काम आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच इंडिया हैज दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड फॉर अस आल्सो एज द यूपीएससी डिमांड्स। सो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच इंडिया हैज लॉस्ट 43,900 हेक्टेयर्स ऑफ ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट बिटवीन 2021 एंड 2022 विच अकाउंट्स फॉर 17% ऑफ द कंट्रीज टोटल ट्री कवर लॉस इन द पीरियड। The total tree cover loss in India between 2021 and 2022 was 2,55,000 hectares, and the total global tree cover loss in 2022 declined by 10%. So this report highlights the forest loss and it says that how to deal with it. Not actually how to deal with it, what we can do a bit better is we can work on these two goals, theek hai, aur in goals pe kaam karne ke baad we may recover or we may reach the point where we can help the entire ecosystem to balance itself. Then there are two more news. One is about the ISRO rocket, that is GSLV Mark 3rd, theek hai? And another is about the China establishing the Ruxing County or in the Shanghai province mein ek solar panel farm, jitna aap bada dekh rahe ho, theek hai? And there is a point highlighted here ki do metals ko which are used in computer chips and solar cells, इनको export करने से China ने रोक लगाई है। Your assignment will be what are these two metals? अब ये दो metals कौन से हैं, ठीक है, जिनको China export करने से ban लगाया है, ये कौन से दो metals हैं जो computer chips और solar cells में use होते हैं। Talking about the static of science and tech, this ISRO rocket, इसरो में क्या क्या है हमारे पास, पीएसएलवी है, जीएसएलवी है और एसएसएलवी है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लॉन्च्ड द पीएसएलवी द मोस्ट, पीएसएलवी को क्या बोला जाता है, वर्क हॉर्स बोला जाता है, बिकॉज इट हैज लो फेलियर रेट, ये फेल नहीं होता है। पीएसएलवी कैन अप लिफ्ट अप अराउंड 3.8 टन ऑफ द वेट इन टू द लो अर्थ ऑर्बिट। डन, यहाँ तक पीएसएलवी हो गया। इसके बाद जीएसएलवी इज देयर फॉर हेवियर पेलोड्स एंड द हायर अर्थ ऑर्बिट्स, 36,000 के ऊपर जो ऑर्बिट होता है, दैट इज हायर ऑर्बिट, और उसमें जाएगा जीएसएलवी। लाइक द पीएसएलवी, जीएसएलवी आल्सो हैज मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस। क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, एक कॉन्फ़िगरेशन इसमें है जीएसएलवी मार्क 3rd, जिसको बोलते हैं लॉन्च व्हीकल मार्क 3rd। दिस कैन लिफ्ट अप 10 टन्स टू द लो अर्थ ऑर्बिट, ये याद रखना है, लो अर्थ ऑर्बिट, नॉट द हाई अर्थ ऑर्बिट। इसके तीन स्टेजेस होते हैं, पहले आप जो देख रहे हो दो बूस्टर लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, दीज हैव सॉलिड फ्यूल्स, ठीक है, दीज आर S200 बूस्टर्स और दे हैव सॉलिड फ्यूल्स एंड दे आर अटैच्ड टू द रॉकेट बॉडी, दे कंपोस्ट सॉलिड फ्यूल एंड फ्यूल का नाम है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन, ठीक है, एंड द सेकेंड स्टेज विच रीचेज इट, ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या होगा, इज पावर्ड बाई टू विकास इंजन्स, ठीक है, दीज आर द बूस्टर्स, ठीक है, एंड दीज आर द विकास इंजन्स नाउ, एंड दीज विकास इंजन्स विच कंपोज द लिक्विड फ्यूल, ठीक है, पहला है सॉलिड फ्यूल, दूसरा है लिक्विड फ्यूल, और लिक्विड फ्यूल क्या होगा, या तो होगा नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड और अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन, ये दो फ्यूल्स में से एक फ्यूल यूज होगा, विच इज ए लिक्विड फ्यूल, ठीक है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द अपर मोस्ट फाइनल स्टेज जो इस जीएसएलवी मार्क 3rd का है, अपर मोस्ट स्टेज इज पावर्ड बाय क्रायोजेनिक इंजन, इट हैज लिक्विफाइड हाइड्रोजन एंड लिक्विफाइड ऑक्सीजन, जिनको ये आपस में कंबस्ट कराता है, फ्यूल जलता है और इसको बूस्ट मिलता है, एंड देन हाइड्रोजन हैज अ वेरी हाई स्पेसिफिक इंपल्स
as the rocket fuels go, but using it in an engine requires it to be liquefied first, which in turn means that it must be stored at a very low temperature and with a special pumping and transport system. ISRO will launch Chandrayaan 3 mission on July 14 on board Konsa Mark 3rd. Isi pe jayega hamara Chandrayaan 3rd. और ये चंद्रयान 3rd हमारा बहुत ही सक्सेसफुल मिशन जाए, इसकी हम प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डू द सेम, दैट यू ऑल डू प्रे फॉर चंद्रयान 3rd टू बी अ ग्रेट 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 सक्सेस फॉर इंडिया. आई वेलकम यू ऑल एट परफेक्शन IAS फॉर ईच एंड एवरी थिंग रिलेटेड टू UPSC. आप आइए, आपको हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है, आपको हमारे मेंटोरशिप सेशन ज्वाइन करने हैं, आपको हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है फॉर UPSC एंड BPSC ऑल्सो. ठीक है, आपको किसी भी चीज में दिक्कत आ रहा है आप आके हमारे यहाँ स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं फॉर 69th BPSC और फॉर 70th BPSC जो आने वाला है. ये सितंबर में होगा और ये अगले साल होगा. UPSC 26 मई 2024 7 से 8 महीने का टाइम बचा हुआ है. डू प्रैक्टिस हार्ड, डू प्रैक्टिस वेल. आपको कोई भी दिक्कत आता है यू कैन ईमेल अस और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस ऑन अवर फोन नंबर्स. आई विल गिव यू अ फोन नंबर. आपको कोई भी दिक्कत हो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और आपका हर एक प्रॉब्लम UPSC का एकेडमिक प्रॉब्लम दूर किया जाएगा. ठीक है, जस्ट अ मोमेंट. And the number will be 9031036712. ये हमारे दिल्ली सेंटर का नंबर है. आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और हमारे पास आइए. I wish you all the best to all of you for your preparations. Do watch these news analysis daily and make it a habit of yours. And do make some notes also. And you can text me the notes on the same WhatsApp number. If you are having any issues, आप मुझे same WhatsApp number पे problems बताइए. We will solve all of them. अगर आप daily answer writing खुद से कर रहे हैं, आप मुझे अपने answers भेजिए इसी number पे. Answers भेजने के बाद we will go through the answers and हम इन answers को evaluate करके आपको बहुत ही अच्छा feedback देंगे. ठीक है? I thank you all for being here in this discussion. Thank you once again. Thanks a lot. Goodbye. Jai Hind.